Ladies and gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on. तो गाइस वापस स्वागत है अपन नए वीडियो में। कुछ होते रहता है हमेशा, तो ऐसे ही हम लोग निकल चुके हैं अटल पथ पे विजिट, अटल पथ के देखने के लिए। और क्या बोलेगा, धूप इतना है कि दिमाग का बत्ती सूख गया है। और आगे की जानकारी के लिए ब्लॉग में बने रहे, जल्द ही ब्लॉग का सामना करने के लिए आपको मिलेगा रूपांतरम में ये फॉर्च्यूनर है। और ताज़ा न्यूज ये देखिएगा, डर मरवा रहे चारों। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं रोटी रेस्टोरेंट, वहाँ से कुछ ऑर्डर पैक करवाना है, फिर वहाँ से पैक करवा के वापस चलेंगे, हमारे पूजनीय फूफा जी को देना है और चलेंगे इसी से अपना एंटर जिंदाबाद। तो यहाँ से लेंगे बाएं, मतलब लेफ्ट, बाएं की ओर, और बाएं की ओर तो जाम लगा हुआ है। रुको जरा, सबर करो। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। कचरा का डंप यार्ड है यहाँ, कचरा कचरा महाकरा खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। देख ही सकते हो कितना जेसीबी है, कचरा डंप यार्ड। ये है माता का मंदिर, बस पहुंच ही गए हम लोग। रोटी 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 आ गया ना, रोटी 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 आ गया रोटी। ये रहा रोटी रेस्टोरेंट, और ये है रोटी रेस्टोरेंट का एंट्री। ये एंट्री है गाइस रोटी का, मिलते हैं। भाई सब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। सो गाइस फाइनली हम लोग रोटी का बोटी लेके निकल चुके हैं, और आप लोग समझ सकते हो, मतलब मैं जैसा कि मैं बता रहा हूँ गाइस कि मुझे देना है किसी को, और किसको देना है वो मैं भी बता चुका हूँ कि गाइस मुझे देना है मेरे फूफा मम्मी को देना है रोटी का बोटी। तो गाइस ऐसे ही गाइस, जो लोग चैनल पर नए हो गाइस प्लीज़ सपोर्ट करो गाइस, सब्सक्राइब करो चैनल को, सब्सक्राइब करो गाइस, बेल आइकन दबाओ, नोटिफिकेशन को ऑन करो ताकि हमेशा नोटिफिकेशन आपको आता रहे, और ऐसे ही मस्त वीडियो लाता रहो गाइस, बनाता रहो। और अभी गाइस हम लोग बस पहुंचने ही वाले हैं थोड़ी देर में। तो गाइस इतनी धूप है, बदन पूरा जल रहा है, मतलब बदन आँख क्या ही बोलूँ गाइस, पूरी की पूरी बॉडी गाइस मतलब एकदम हीट हो चुकी है। इतना टेम्परेचर है, 46 के आसपास टेम्परेचर है गाइस। और ऐसे ही मतलब गाइस आप लोग सोच सकते हो कि इतना रोड में इस टाइम पे गाइस वीडियो बनाना इतना हाई रिस्क है, मतलब आप कुछ भी हो सकता है, तबीयत ख़राब हो सकता है या फिर, लेकिन फिर भी गाइस मैं बना रहा हूँ, ओ भाई बना रहा हूँ गाइस, क्योंकि आप लोगों के लिए वीडियो है। तो गाइस प्लीज़ जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ बोल रहा हूँ गाइस, प्लीज़ सपोर्ट करो गाइस, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ गाइस, और ऐसे ही सपोर्ट करो। ये देखो भाई साहब पसीनो पूरा धड़ल्ले से दम चला रहे गाइस, क्या ही बात है। तो गाइस वैसे ही मतलब मैंने बोला भी है, और गाइस हम लोग बहुत जल्द एक छोटा सा मतलब एक छोटा सा मीटअप रखेंगे गाइस, जो कि मे बी संडे को हो सकता है, अभी कुछ हो भाई साहब कुछ प्लान नहीं है गाइस कि कब होगा नहीं होगा, और लेकिन फिर भी अभी हम लोग सोच ही रहे हैं, प्लान नहीं किए हैं, तो देखते हैं गाइस मैं क्या कर सकता हूँ। अगर क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात। तो गाइस रास्ते में पड़ चुका है, आप लोग देख सकते हैं सामने रेलवे क्रॉसिंग है,
और अभी हम लोग वेट कर रहे हैं गाइस, जैसे ही फाटक खुलेगा हम लोग सरसरा के निकल जाएंगे गाइस। ये देखिए, ओ भाई आ गई ट्रेन, देखिए गाइस देखिए। इसलिए गाइस बोलते हैं कि जब भी फाटक बंद रहे, कोई भी हो, चाहे एनी बॉडी कोई भी हो गाइस, जब फाटक लग जाए तो कभी हाई रिस्क ना ले और ऐसे फाटक पार करके क्रॉस ना करें, क्योंकि बहुत हाई रिस्क होता है। और आप समझ सकते हो ट्रेन कभी भी आ जाती है, जैसे कि अभी आई है। ऐसे बहुत सारे मैंने वीडियो देखे हैं जिसमें लोग मतलब अपनी मर्जी का करके फाटक पार कर जाते हैं, क्रॉस करते हैं, और हादसा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो गाइस ये सब ना करें, बहुत ही ज़्यादा रिस्क होता है। कुछ देर वेट करें वो ज़्यादा अच्छा है गाइस, क्योंकि कुछ देर के बाद जब ट्रेन चली जाएगी तो खुद ब खुद भाई गाइस फाटक तो खुल नहीं है, वैसे खुल जाएगा, आप लोग भी क्रॉस कर सकते हैं। तो गाइस जैसे मैं वेट कर रहा हूँ वैसे आप लोग वेट करो, वैसे ही आप लोग भी ऐसे ही वेट करें, ट्रेन जाने का जब ट्रेन चली जाएगी उसके बाद फाटक खुलेगा।